أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون शर्म नहीं आती, हया नहीं आती इस्लाम से, और फिर कहते हो कि हम तबलीग करने निकले हैं। सुने और बकवास सुने, मैं कहां तक बकवास आपको बताऊं। एक पांव पर नमाज आपने कभी देखी है? सुने, एक पांव पर तबलीगी जमात वाले नमाज पढ़ रहे हैं। हम एक रकात पढ़ते हैं वितर की नमाज कभी, तो कहते हैं एक रकात की नमाज ही नहीं होती, पूरी दुनिया हंसी चीखती है, दारुल उलूम फतवों के बमबार्ड होते हैं। एक टांग के ऊपर कौन सी नमाज होती है देखो भैया? तो यह है कि आदमी के टांग ही ना हो, वो तो बात अलग है भाई, लेकिन टांग है फिर भी वो टंगे हुए हैं एक पांव पे, टांग वो टांग की जिस टांग ने दिल टांग लिया है नहीं। तो सुने, मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अस्वद हज के लिए जब आए तो उनके एक पांव में तकलीफ थी, वो ईशा के बाद सिर्फ एक पांव के सहारे खड़े हुए और सुबह तक एक ही पांव पर खड़े नफिल पढ़ते रहे, हत्ता कि इस वजू से सुबह की नमाज पढ़ ली। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मुझे मौत से सिर्फ इसलिए डर लगता है कि फिर तहज्जुद की नमाज जाती रहेगी, पांव में दर्द थी तो बैठ जाते ना, एक टांग पे खड़े की क्या जरूरत थी, है कि नहीं है? लेकिन एक टांग की नमाज देखो। और फिर सुने, एक वलिया थी, इबादत करते करते काली हो गई थी, इबादत करते करते क्या हो गई थी? हम तो अभी तक ये सुनते हैं आदमी इबादत करता तो उसके चेहरे पर नूर आता है, लेकिन इनकी वलिया इनके बुजुर्ग हैं, ये इबादत करते हैं तो काले हो जाते हैं। क्यों? इबादत ही ऐसी होती है काली काली इनकी, तो उसका अक्स भी इनके चेहरों पे आता है। सुने, 436 चले, कहते हैं कि एक रहला आबदा के पास गए, वो रोजे रखते रखते काली पड़ गई थी, रोजे रखते रखते काली पड़ गई थी, नमाज पढ़ते पढ़ते पांव शल हो गए थे, अपाहिज, और ब्रेकेट में लिखा है जिसकी वजह से, नहीं, पांव शल हो गए थे जिसकी वजह से अपाहिज हो गई थी। नमाज पढ़ते पढ़ते कोई अपाहिज होता है? यहां तो हमने सुना है नमाज पढ़ते पढ़ते आदमी तंदुरुस्त हो जाता है ना, है कि नहीं भाई? नमाज में बरकत है, लेकिन ये नमाज पढ़ते पढ़ते क्या हो गई थी? अब कोई दुश्मन सुनेगा, कहा अल्लाह माफ करे ऐसी नमाज से जो इंसान को अपाहिज कर दे, लेकिन हकीकत भी है इस तरह की इबादतें ना अल्लाह ने हुक्म दिया ना उसके रसूल ने हुक्म दिया, इसलिए ये अपाहिज हो गए, अल्लाह ने अपना गजब नाजिल फरमाया, और ये समझ रहे रहमत है ये, अल्लाह ने अपना गजब जिंदगी में नाजिल फरमाया, जिसको इन्होंने क्या समझा, रहमत है। सुने, बैठ कर नमाज पढ़ती थी, रोते रोते नाबीना हो गई थी, हमने जाकर अल्लाह ताला की रहमत और माफी का जिक्र किया कि शायद उनसे उनके मुजाहिदे की शिद्दत में कुछ कमी आए, उन्होंने चीख मारी, फिर कहने लगी मुझे जो हालत है उसने मेरे दिल को जख्मी कर रखा है, मेरे जिगर को छील दिया, काश मैं तो पैदा ही ना हुई होती, ये कहकर उन्होंने अपने नमाज की नियत बांध ली, लो फिर नमाज। ये वाकयात है, कह रहे हैं ये नमूने के वाकयात है चंद। और सुने, जन्नत की लालच देखें जरा, यानी 473 सफा, अभी तो मैं बड़ी अहम अहम बातों में आया ही नहीं हूं, बड़ी अहम अहम पॉइंट्स ला रहा हूं मैं, अभी एक करीब कर रहा हूं, ये तो मैं शुरू से चल रहा हूं ना सीरियल।
एक शख्स कहते हैं, नहीं ये कौन सी है भाई, 474, 473 और 474 मौत की खबर देखें। 473 में लिखते हैं, एक शख्स हजरत ममशाद दैनूरी, ममशाद दैनूरी हैं, कहते हैं उनके पास था एक शख्स, कहते हैं कि मैं हजरत ममशाद दैनूरी के पास बैठा था, एक फकीर आया और कहने लगा यहाँ कोई पाक साफ जगह है ऐसी है, गौर से सुनो यहाँ कोई पाक साफ जगह ऐसी है जहाँ कोई मर जाए। उन्होंने एक जगह इशारा किया जहाँ पानी का चश्मा भी था, वो उसके करीब गया, वजू की, नमाज पढ़ी, उसके बाद पांव फैलाकर लेट गया और मर गया। इल्म गैब, बाकायदे इनको गैब का इल्म हो रहा है। और दूसरी चीज हमें यह समझ नहीं आती, गप ठोकने वाले ने थोड़ी भूल की है इसमें, क्या जिस शख्स को यह मालूम हो कि वो अभी मरेगा, उसे यह ना मालूम हो कि कौन सी जगह पाक है कौन सी जगह नापाक है, उसको पूछने की क्या जरूरत थी, है नहीं गप ये है? अभी जो शख्स इतना बड़ा वली अल्लाह हो कि उसे पता हो कि मैं अभी मरूंगा, कह रहा है कि कोई पाक जगह है जहां कोई मर जावे, उसे पता था मैं मरूंगा अभी, लेकिन उसे यह नहीं पता था पाक जगह कौन सी है नापाक जगह कौन सी है, क्या पता है। सुने और आगे आए, ये तबलीगी जमात के औलिया हैं जिन्हें सब कुछ पता होता है। लिख रहे हैं कि, और बहुत सारी ये बातें मैं बयान कर चुका हूं कि वो जो कोई कहने लगा जुनेद से कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो हंसने लगे, कहने लगे वो तो कभी दिल से गए नहीं, इसी वही वाकया फिर यहां पे उन्होंने नकल किया है। बहरहाल कहते हैं यही हजरत ममशाद दैनूरी, इनके इंतकाल के वक्त एक बुजुर्ग उनके पास बैठे थे, वो उनके लिए जन्नत के मिलने की दुआ करने लगे कि भाई अल्लाह ताला आपको जन्नत दे। ममशाद दैनूरी हंसे और फरमाया, देखो फरमाया 30 बरस से जन्नत अपनी सारी जमीनों जीनतों समेत मेरे सामने आती रही, मैंने एक मर्तबा भी उसको निगाह भरकर नहीं देखा। ओहो, अल्लाह की नेमत की तोहीन नहीं है ये हा? और ये कितना बड़ा मकाम है, इसकी तोहीन ये कह रहे हैं, मतलब यानी हम जन्नत, और ये कुफ्र की निशानी है। जो आदमी जहन्नम के खौफ और जन्नत के लालच में इबादत ना करे वो दायरे ईमान से खारिज होता है। आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह का खौफ यानी जिसको कहते हैं खौफ और रजा यानी उम्मीद, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी उम्मत को कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस तलब करो, क्यों, इसलिए कि वो आला मकाम है। और अगर जन्नत की इतनी ही तौहीन होती तो अल्लाह ताला बार बार कुरान में जन्नत का जिक्र ना करता, उसकी खूबियां अपने मोमिन बंदों को, उसके मेवे, उसके मिष्ठान, शहद की, दूध की नहरें, ये तमाम सब जो तवील जिक्र कुरान करीम के अंदर जन्नत का है, हदीस में जो अल्लाह के नबी ने जन्नत की फदाइल और जन्नत का हुस्न और जन्नत की लालच अपनी उम्मत को दी है, ये तमाम सब चीजें बेकार थी, फजूल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तबलीगी जमात वालों गौर करो, सोचो कि ये तुम्हारे शेखुल हदीस तुम्हें क्या तालीम दे रहे हैं, ये कौन सा बुजुर्ग था जिसके सामने कह रहा 30 बरस तक जन्नत आ रही है, बाकायदे जन्नत और दोजख इनके दरबार में आते हैं और जाते हैं। औज़ुबिल्लाह, इससे बढ़ करके कुरान और सुन्नत का इनकार और क्या हो सकता है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत एक ऐसी चीज है जिसको न किसी आंख ने देखा है, माला ऐनुन रात है, वला उज़ुन समियत, न किसी कान ने सुना है, वला खतरा अला कल्ब बशर, और न ही किसी इंसान के दिल पर उसके हुस्न और खूबसूरती का तस्वुर गुजरा है। उस जन्नत को 30 बरस तक ये देख रहे हैं हजरत अल्लाह के नबी को मेराज में बुला के जन्नत दिखाई जाए, सहाबा जन्नत ना देखे, ये तबलीगी जमात के औलिया अल्लाह बाकायदा जन्नत देख रहे हैं, 30 बरस तक सच सजा के उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं कर रहे जनाब, हाँ 30 बरस तक निगाह भी उठा के नहीं देखी, और इंशाअल्लाह क़यामत में भी इनको नसीब नहीं होगी, ऐसे ही चले जाएंगे सीधे, वहां भी देखना नसीब। सुने कफन चोर एक था, कहते हैं कि हाँ एक कफन चोर था, सफा नंबर 476, एक कफन चोर था, वो कब्रें खोदकर कफन चुराया करता था, उसने एक कब्र खोदी तो उसमें एक शख्स ऊंचे तख्त पर बैठे देखे कुरान पाक पढ़ रहा है, कब्र के अंदर एक शख्स ऊंचे तख्त पर, ऊपर का तख्त शायद नीचे चला गया होगा, लेकिन ये मकसद नहीं है इनका, इनका मकसद है वो जन्नत से तख्त आया था, है ना, और सुने तख्त ही नहीं था, तख्त के ऊपर बैठे अल्लाहु अकबर कुरान पाक पढ़ रहा था, तख्त पर बैठे देखा वो कुरान उनके सामने रखा हुआ, वो कुरान पढ़ रहे थे और उनके तख्त के नीचे नहर चल रही थी, कफन चोर ने देखा तख्त के नीचे नहर चल रही थी,
हाँ सुनिए, उस शख्स पर ऐसी दहशत तारी हुई कि बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उसको कब्र से निकाला, लोगों ने उसको, यहां तवज्जो चाहूंगा, लोगों ने उसको कब्र से निकाला। 3 दिन बाद होश आया, लोगों ने किस्सा पूछा, उसने सारा हाल सुनाया। बाद लोगों ने उस कब्र के देखने की तमन्ना की, उससे पूछा कि कब्र बता दे। उसने इरादा भी किया कि उनको ले जाकर कब्र दिखाऊं। रात को ख्वाब में उन कब्र वाले बुजुर्ग को देखा, कह रहे हैं अगर तूने मेरी कब्र बताई तो ऐसी आफतों में फंस जाएगा कि याद करेगा। बकायदे वार्निंग धमकियां आ रही हैं कब्रिस्तानों से जनाबे आली। हाँ, इससे यह भी पता चला कि बुजुर्गाने दीन अगर मान लें तो बुजुर्गाने दीन ये नहीं चाहते कि उनकी कब्रों को लोगों का पता चले। जो चाहते हैं वो बुजुर्ग होते ही नहीं है, तो जो जो मदार पूजे जा रहे हैं गोया ये बुजुर्ग, क्यों वो नहीं चाहते कि उनकी खबरें कोई मालूम हो पूछी जाए और उनकी मर्जी के खिलाफ ये कब्र परस्त और ये तबलीगी जमात वाले पूछते और चाटते हैं। अब यहां पर आप सोचें, एक तो धमकी मिल रही है, दूसरे मैंने कहा ना कि इस बात के ऊपर तवज्जो दो, क्या कि लोगों ने उसको कब्र से निकाला। तो जब लोगों ने उसको कब्र से निकाला तो फिर ये पूछने की जरूरत क्यों आई कि तू कब्र बता दे। भाई जब लोगों ने कब्र से निकाला तो क्या वो अहमक था, उन्हें पता नहीं कब्र, जिस कब्र से निकाला उसी कब्र में था ना वो, उसने कहा। लेकिन कहते ना जकरिया साहब से भूल हो गई थोड़ी सी, यहां चूक हो गई। हम जैसे वहाबी लोगों की नजरों से बच तो जा सकते नहीं, छोड़ेंगे नहीं इनको, है ना, चूक हो गई। ये और बात है तबलीगी जमात वाले नारे रिसालत नारे तकबीर लगाएं इसके ऊपर, लेकिन हम नहीं लगाते। हम कहते हैं तुम्हारे जकरिया साहब को किस्सा बनाने में चूक हो गई। क्या हुई, लिखते हैं कि कब्र से लोगों ने उसको निकाला और फिर लोगों ने पूछा कि तू कब्र बता दे, ये कौन सी बात हुई। अबे जिस कब्र से निकाला वही कब्र है। और सुने, टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्या टाइम हुआ भाई, बस बहुत अहम वाकयात हैं। हजरत शेख सन्नूसी के वो मरने का पूरा बयान है कि मर जाएंगे, कब्र में रखा, आंखें खोल दी, एक बुजुर्ग हंसने लगे, एक बुजुर्ग ने अंगूठे पकड़ लिए, एक बुजुर्ग कहे लगाने लगे, एक बुजुर्ग बाकायदे। ये तमाम सब वाकयात इंशाअल्लाह ताला मैं अगली मजलिस में बयान करने की कोशिश करूंगा और अपनी बात यही खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मैं हमें और आप सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अदा फरमाए और कुरान और सुन्नत को सही तौर पर समझने की और अल्लाह और उसके रसूल के बतलाने के हिसाब से उनकी बतलाई हुई तालीमात पे इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहाबी अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चिराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चिराग मेरा है रात उनकी। और उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात। इकराम मुअज्जज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, जैसा कि आप हजरात को अच्छी तरह इस बात का इल्म है कि फजाइल सदकात और फजाइल हज के मौजू पर मेरी गुफ्तगू हो रही है और मैं मुनासिब यह समझता हूं कि आज की ये मजलिस तबलीगी निसाब एक जायजा या आपकी अदालत में इस ताल्लुक से ये मेरी आखिरी मजलिस हो और मैं आज के इस मजलिस में अपनी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब और निचोड़ थोड़ी तशरीहात के बाद में बयान करूंगा और यह आखिरी मजलिस होगी और मैं अब इस बाब को, इस डोर को, इस दरवाजे को बंद करना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिसात की हद तक मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका पोस्टमार्टम किया है और आप हजरात के सामने हकीकतें रखी हैं। मानो न मानो यह आपकी मर्जी है, हमारा काम सिर्फ बदला देना है। आइए मैं बिला किसी ताखीर के फिर उन्हीं वाकयात की भूल भुलैयों में मैं आपको लेके चल रहा हूं जो तबलीगी निसाब या फजाइल आमाल की जीनत हैं। वो भूल भुलैयां जिसमें बहुत सारे लोगों के ईमान का सौदा होता है और बहुत सारे लोग
अपना ईमान बेचकर, अपना जमीर बेचकर, अपनी अपनी अक्ल और अपनी खिरत को उसकी चौखटों पर कुर्बान करते हैं और उसे कोई आसमानी किताब समझ करके उसके ऊपर अमल करते हैं, या उसे अपने दरसों में, मस्जिदों में, घर घर में, नगर नगर में, शादी ब्याहों में उसे उस किताब को बतौर तबर्रुक समझ करके लोगों के अंदर उसको फैलाते हैं और उसको देते हैं। ये किताब फ़ज़ाइल आमाल सदका हिस्सा दोम, फ़ज़ाइल सदकात और फ़ज़ाइल हज पे मुश्तमिल है। और जैसा कि मैंने बतलाया था पहले लेक्चर में कि मदीना बुक डिपो उर्दू बाजार जामा मस्जिद दिल्ली की छपी हुई ये किताब है, और यही मेरे ज़ेर बहस ये किताब है। और इसके सफ़ात आप देख लें, हो सकता है प्रिंटिंग प्रेस की वजह से मुख्तलिफ हों, लेकिन ये किताब मेरे सामने है, इसलिए मेरे नज़दीक यही सफ़ात हैं, इसी किताब के सफ़ात होंगे। मैंने शायद पिछले लेक्चर में आप हजरात को बतलाया था, कफन चोर का वाकया बतलाया था, मैंने बतलाया था, और ये मेरी आखिरी गुफ्तगू थी कि जिस आदमी ने कफन चोर था, कब्र में घुसा और उसने मतलब कफन वफन चोरी की, वो मैंने बता चुका हूं, मैं पिछले लेक्चर में इसके ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है। आइए मैं ऐसे मुतजाद अकीदे जो किसी मोमिन का, किसी मुवाहिद का, या कुरान और सुन्नत के मानने वाले का, या कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले का यह अकीदा नहीं हो सकता है, बल्कि ये किसी शैतान का, या किसी मजूसी, या किसी यहूदी, या किसी हिंदू का, या किसी गैर कौम का, गैर मुसलमान का ये धर्म, ये दीन हो सकता है, ये अकीदा हो सकता है जो अकीदा इस किताब के अंदर लिखा गया है। चुनांचे मैं आपको बताऊं कि तबलीगी जमात का एक अकीदा यह भी है, तबलीगी जमात और इसके अंदर वो हजरात भी मुलव्वस हैं इस अकीदे में जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, लेकिन तबलीगी जमात के लोग इस अकीदे में बरेलवियों से एक हाथ और दो हाथ आगे ही हैं। उनका यह अकीदा भी है कि जो आदमी मर जाता है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, सालहीन होते हैं, वो मरते नहीं बल्कि वो हकीकत में जिंदा होते हैं, उनका विसाल होता है। विसाल समझते हैं, विसाल वसल कहते हैं मिलने को, मिलने को विसाल कहते हैं, मिलने को, मिलाप को विसाल कहा जाता है, यानी उनकी रूह अल्लाह से जाकर के मिलती है, जब जो कभी अल्लाह में थी, जो अलग हुई तो फिर जाकर के फिर वहां मिलाप होता है। अलमुहिम यह अकीदा इनका है, और इस अकीदे के ताल्लुक से इन्होंने बहुत सारे वाकयात लिखे हैं कि जो अल्लाह के आशिक होते हैं वो मरते नहीं हैं बल्कि इस दुनिया से मुंतकिल हो जाते हैं। चुनांचे ये फजाइल सदकात हिस्सा दोम सफा 476 मेरे सामने है। इस किताब के अंदर हजरत जकरिया साहब लिखते हैं कि शेख अबू याकूब सन्नूसी कहते हैं कि मेरे पास एक मुरीद आया और कहने लगा कि मैं कल को जोहर के वक्त मर जाऊंगा, चुनांचे वो वाकई मर गया। मैंने उसे गुस्ल दिया और दफन किया, जब मैंने उसे कब्र में रखा तो उसने आंखें खोल दी, जब मैंने उसको कब्र में सुलाया तो उसने आंखें खोल दी। मैंने कहा कि मरने के बाद भी जिंदगी है, कहने लगा मैं जिंदा हूं और अल्लाह का हर आशिक जिंदा ही रहता है। नऊज़बिल्लाह, नऊज़बिल्लाह और हजार बार नऊज़बिल्लाह, ये कौन सा अकीदा है? मेरे तबलीगी जमात के भाइयों आप बतलाओ, हजरत ज़करिया साहब इस अपनी किताब के अंदर लिख रहे हैं फ़ज़ाइल सदक़ात हिस्सा दोम सफा 476 के अंदर, और एक वाकया नहीं बल्कि और भी वाकयात लिख रहे हैं। कहते हैं कि एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने एक मुरीद को गुस्ल दिया, मैंने एक मुरीद को गुस्ल दिया, उसने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। मैंने कहा मेरा अंगूठा छोड़ दे, मुझे मालूम है कि तू मरा नहीं है बल्कि तू जिंदा है, एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल हो गया होगा, और मेरा अंगूठा छोड़ दे। चुनांचे उसने वो अंगूठा छोड़ दिया। मैं समझता हूं कि बड़ा शरारती रहा होगा वो, है कि नहीं, और गुस्ताख मालूम होता है वो, जिसने अपने पीर के अंगूठे पकड़ लिए और जब तक यकीन उसने नहीं दिला दिया कि मैं जिंदा हूं तब तक उसने अंगूठा भी नहीं छोड़ा, कितनी बड़ी गुस्ताखी थी उसकी। या हो सकता है कि बचपन में उसे अंगूठा चूसने की आदत रही हो, बचपन में उसे अंगूठा चूसने की आदत रही हो, पीर का अंगूठा पकड़ लिया धड़ाक से उसने। यह अकीदा है तबलीगी जमात का, सोचिए। और आगे आइए मैं आपको बताऊं, कहते हैं कि मशहूर बुजुर्ग इब्ने जला फरमाते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, उन्हें नहलाने के लिए जब तख्ते पर रखा तो हंसने लगे, वो जब तख्ते पर नहलाने के लिए मुर्दे को रखा तो वो हंसने लगे, नहलाने वाले छोड़कर भाग दिए, चल दिए। जाहिर अब क्या करेगा कोई आदमी, मुर्दा है वो हंस रहा है कहीं कहीं लगा के, तो उसको कौन नहलाएगा?
और मैं समझता हूं कि नहलाने वालों ने थोड़ी गुदगुदी गुदगुदी लगा दी होगी, जब ही तो उसको इस तरह के कहे कहे उसके शुरू हो गए। मेरे भाई, इस तरह के यकीदे और भी हैं, और मैं आपको बताऊं, यही फजाइल सदकात है जिस और इसके ऊपर जकरिया साहब लिखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, इसमें इख्तलाफ नहीं है। मरने के बाद मुर्दों ने कलाम किया, इसमें इख्तलाफ नहीं है, बल्कि बाज दूसरे सहाबा से भी नकल किया गया। मैं जकरिया साहब से पूछूं या तबलीगी जमात के भाइयों से पूछूं कि मेरे भाइयों, जब सहाबा से वो बातें मनकूल थी तो उसे नकल करना चाहिए था ना, इन बुजुर्गों की बातें नकल करने से तुम्हें क्या फायदा। लेकिन असल में ये हाथी के दांत हैं जो दिखाने के लिए कुछ होते हैं और खाने के लिए कुछ होते हैं, ये दावे हैं। जैसे ये अपने मजहब के बारे में कहते हैं, हमारा मजहब कुरान और हदीस से मिला हुआ है, हमारा मजहब कुरान और सुन्नत का निचोड़ है, लेकिन जब उनसे कहो कि मेरे प्यारे ये कौन से कुरान और कौन से हदीस में है, कहते हमारे बुजुर्गों के पास दलील होगी, हमारे बुजुर्गों के पास दलील होगी। इस तरह की बातें करते हैं जाहिल। बड़े बड़े उलमा कहते हैं हमारे बुजुर्गों के पास दलील होगी, जब भी तो उन्होंने ये बात कही है। तो नकल तो जकरिया साहब ने कर दिया कि दूसरे सहाबा से भी नकल है, तो तुम्हें तो सबसे बड़ी बात दलील तो सहाबा की होनी चाहिए, सहाबा की बात लाके नकल करते तुम इन बुजुर्गों की कहानियां क्यों लेके बैठ गए। और सुने 483 सफा खोलें, अभी मैं बताता हूं आपको, और भी 483 सफा जिसके अंदर लिखते हैं कि अबू अली रोजबारी कहते हैं कि एक फकीर मेरे पास ईद के दिन आया, बहुत बुरे पुराने कपड़े में, कहने लगा कोई पाक साफ जगह ऐसी है जहां कोई गरीब फकीर मर जाए। मैंने लापरवाही से लघु समझकर कह दिया अंदर आ जा और जहां है पढ़ के मर जा। वो अंदर आया, वजू की, चंद नमाजें पढ़ी और लेट कर मर गया। सोचिए, जिस बुजुर्ग को यह मालूम हो कि वो अभी मरने वाला है, उसे यह ना पता हो कि कौन सी जमीन पाक है कौन सी जमीन ना पाक है, उसको पूछने की क्या जरूरत थी। लेकिन कहानी लिखने वाले ने और जकरिया साहब ने जो कहानी लिखवाई है किसी राइटर से, शायद वो चूक हो गई उस राइटर से, उसको जरा और कुछ हकीकत साबित करने के लिए कुछ और मिर्च मसाले लगाने चाहिए थे। चुनांचे वो लेट मर गया, चले मर गया उसने। कहते हैं उसकी तजहीज़ो तकफीन की, जब कब्र में उसको सुलाया, सोचा लाओ जरा मुंह देख लें, कफन उठा करके देखा में, उसने कहा कि मैंने उसका मुंह खोल करके सोचा जमीन पे इसका मुंह रख दूं ताकि अल्लाह ताला इसके ऊपर रहम फरमाए। उसका मुंह खोला, जैसे ही कफन से आंखें उसने आंखें खोल दी। मैंने पूछा, मेरे सरदार, क्या मौत के बाद भी जिंदगी है? कहने लगा, मैं जिंदा हूं और अल्लाह का हर आशिक जिंदा होता है, और सुनो वादे भी हो रहे हैं कि, और कह रहा कि मैं कल कयामत में अपनी वजाहत से, यानी अपनी बड़ाई और अपने मकाम और मर्तबे का सहारा लेकर के तेरी मदद करूंगा कयामत के दिन। नऊज बिल्ला, तबलीगी जमात के ये बुजुर्गाने दीन हैं जिनके डंके दुनिया ही में नहीं बल्कि आखरत में भी बज रहे हैं जनाब आली, वहां भी इनके चार दांग के डंगे बज रहे हैं। बरेलवी अपने बुजुर्गों के बारे में कहे तो वो तो बिदती और मुशरिक है, और ये कौन से लोग हैं, और मैं क्या कहूं। और चलिए, इनके बुजुर्गाने दीन लब्बैक भी सुनते हैं, सुनिए, लिखते हैं 484 सफे के अंदर। अच्छा, इसी के अंदर मैं आपको बताऊं एक और वाकया, बड़ा अजीबो गरीब, अल्लाहु अकबर, और मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं ये लोग यहूदी थे क्या, ये लिखने वाले यहूदी हैं या तबलीगी जमात वाले यहूदी हैं, नफरानी हैं, क्या हैं ये? मुझे तो यकीन नहीं आता है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से अब्दुल्ला इब्ने सबा ने इस्लाम का चोला पहनकर और मुसलमानों को गुमराह किया, और हजरत अली के बारे में लोगों को ये तासुर दिया कि देखो हजरत अली जो हैं वही नबी बनने वाले थे, या हजरत अली उलूहियत के मकाम और दर्जे में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि यहूदी लिबासों में, यहूदियों ने इस्लाम का लिबास ओढ़ करके, तबलीगी लिबास ओढ़ करके अब मुसलमानों के ईमान और अकीदों पर डाका डालना शुरू किया है, वरना ये शेखुल हदीस हैं। अल्लाह की कसम, सफा 480 खोलें नहायत अदब और एहतराम से, और वाकया पढ़ें सफा 480 का। कहते हैं हसन बिन हई कहते हैं कि मेरे भाई अली जो थे उनका जिस रात में इंतकाल हुआ, उन्होंने मुझे आवाज देकर पानी मांगा। मेरी नमाज की नियत बंद रही थी, मैं सलाम फेरकर पानी लेकर गया। मैं नमाज, चूंकि नियत बांध ली थी इसलिए उन्होंने पानी मांगा, लेकिन मैं नमाज में था, लेकिन सलाम फेर कर मैं पानी लेकर के गया। वो फरमाने लगे, मैं तो पी चुका हूं,
वो फरमाने लगे मैं पी चुका। जकरिया साहब लिखते हैं कि फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि मैंने कहा कि आपने कहां से पी लिया, घर में तो मेरे और आपके सिवा कोई और है नहीं, अरे एक तो मैं हूं या तो आप हैं, और हम दोनों के सिवा तो और कोई घर में है नहीं। कहने लगे मुसलमानों जरा तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनो, और आपकी तवज्जो चाहता हूं, और मेरे तबलीगी भाइयों उस दिल के ऊपर हाथ रख करके जरा आप भी सोचो जिस दिल से आप हक हु के नारे और तस्मीह गिनते हैं। आपके ईमान को मैं आवाज दे रहा हूं और इंसाफ को आवाज दे रहा हूं जिस बात पर तुम रब्बानी को गालियां देते हो और कहते हो कि ये हमारे हमारे बुजुर्गों की धज्जियां बिगाड़ रहा है, हमारे बुजुर्गों की कलैयां खोल रहा है, हमारे बुजुर्गों के पोल खोल रहा है। हम शेख की सुनते थे मुरीदों से बुजुर्गी, तहरीर से देखा तो अमामे के सिवा हेच, सिवाए फखरुल अमासिल जुब्दतुल अमासिल हजरत मौलाना अलहाज अलहाफिज अलमुहद्दिस मोहम्मद जकरिया साहब मददिल्लौ शेखुल हदीस मदरसा मदाहिर उलूम सहारनपुर देवबंद, इसके अलावा हमें इनमें कुछ नजर नहीं आता है। ये कुफ्र का अकीदा देखो तबलीगी जमात के भाइयों, कुफ्र ये देखो। हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि खातिमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे, जब तक थे तब तक जिब्रील आया करते थे ना वही लेकर के, और उनका काम ही है नबियों के पास वही पहुंचाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, वफात हो गई आपकी, तो जिब्रील का आना भी इस दुनिया के अंदर क्या हो गया, बंद हो गया। हजरत फातिमतु ज़हरा कहती हैं जिब्रील मैं अपने अब्बा के मौत की खबर तुझे कैसे दूं, जब मेरे अब्बा थे तब तो तू आया करता था, आज मेरे अब्बा नहीं है, मैं कैसे तुझे इस अपने अब्बा के मौत की खबर दूं। सहाबा का यह अकीदा था कि जिब्रील नहीं आते, लेकिन तबलीगी जमात के यहां जिब्रील अलैहिस्सलाम बाकायदे आते हैं। सुनिए लिखते कहते हैं उन्होंने कहा कि मेरे सिवा और आपके सिवा तो कोई नहीं है यहां पे, फिर कैसे आपने पानी पी लिया। कहने लगे जरा दिल पे हाथ रख के सोचो मुसलमानों, कहने लगे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी पानी लाए थे, वो मुझे पानी पिला करके गए हैं। नऊज़ु बिल्लाह, देख रहे हैं अकीदा ये कौन से कुरान और कौन से हदीस का अकीदा है, हमें बताओ जरा। और यही नहीं कि वो पानी पिला के गए हैं, कह गए हैं कि तू और तेरा भाई उन लोगों में है जिन पर हक ताला ने इनाम फरमा रखा है। नऊज़ु बिल्लाह। और सुनो ये तो जिब्रील आ रहे हैं, इनके यही लोग हैं भाई, इन्हीं की शान है तबलीगी जमात वालों की, और ये कादरी चिश्ती और पादरी वालों की जो अपने रायवंड में बुलाते हैं, अपने कॉन्फ्रेंसों में बुलाते हैं, अपने जलसों में बुलाते हैं, और जहां टिकट उकट दे करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर उधर पाकिस्तान में कराची में कहां कहां फिराते हैं घुमाते हैं, ये इन्हीं लोगों की शान है, इन्हीं लोगों की शान है। सुनो हजरते कहते हैं एक बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हुआ, मैं सफर में गया हुआ था, जब मैं सफर से वापस आया तो उनके भाई हसन बिन साले के पास तादियत के लिए गया, मुझे वहां जाकर रोना आया। वो कहने लगे रोने से पहले उनके इंतकाल की कैफियत सुनो, कैसे लुत्फ की है, जब उन पर नजा की तकलीफ हुई यानी जब मौत आई तो मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेकर गया, कहने लगे मैंने तो पी लिया। मैंने पूछा किसने पिलाया, कहने लगे हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की बहुत सी सफों के साथ तशरीफ लाए थे और मुझे पानी पिला दिया। मुझे ख्याल हुआ कि कहीं गफलत में कह रहे हो भाई, उसने कहा आदमी ने कि मैंने सोचा कहीं गफलत में कह रहे हो, इसलिए मैंने पूछा फरिश्तों की सफें किस तरह थी। कहने लगे ऊपर नीचे इस तरह थी, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर, इस तरह फरिश्तों की सफें थी, ऊपर नीचे फरिश्तों की सफें थी। नऊज़ बिल्लाह। मुसलमानों यह कुरान का अकीदा है, यह है किसी मुसलमान का ईमान और अकीदा, हरगिज नहीं हो सकता है, ये मुसलमानों का ईमान और अकीदा नहीं हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पानी पिलाने के लिए इनके नजा के वक्त में आए, और बरेलवियों के अगर बुजुर्गाने दीन उनके पानी पिलाने के लिए उनके नजा में या उनके जनाजों में या उनके जगहों पे आए तो तुम उन्हें तो मुशरिक कहते हो, और इनको क्या कहोगे मुझे बताओ आप। मुझे लगता है कि ये यहूदी लोग हैं, ये नमाज रोजा हज ज़कात जो है ना ये सिर्फ एक टाइटल है अंदर तौर, और ये जो चलत फिरत कर रहे हैं ये जाहिल बेचारे, ये तो जाहिल है, इनको तो छोड़ो ये तो जाहिल है, जो लोटे और बिस्तरे ले लेकर के इधर उधर दौड़ते हैं, समझ ये तो जाहिल है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मरकजों में बैठ बैठ करके खूब खूब इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इनको तबलीग के नाम पर ये तमाम सब कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मुझे लगता है ये लोग यहूदी या नसरानी, ये मुसलमान नहीं है सही तौर पर। क्यों? इसलिए कि ऐसा फासिद अकीदा, नऊज़ बिल्लाह।
کہ اللہ کے نبی کو وفات ہو گئی, زمانہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے موت کی خبر ہو رہی ہے, بزرگ کے باقاعدہ حضور پانی لے کے آ رہے ہیں, ان کو پلا رہے ہیں, ان کو سب کچھ کر رہے ہیں, اور وہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ تڑپ کر کے مر گئے, ذبح کر دیا گیا انہی کی مد انہی کے اپنے ان کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں. لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے انہوں نے پانی نہیں پلایا. وہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی خبیث مجوسی نے پیچھے سے چھری مار کر کے شہید کر دیا. امامت کی حالت میں, نماز کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر کے ان کو نہیں بچایا, اپنے داماد حضرت علی کو کوفہ نہیں بچایا, اور اسی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا بدر میں. اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلایا, نہ کسی کے دلوں کے خطرات, نہ کسی کے دلوں کا بھید اللہ کے نبی نے جانا. صحابہ کرام شہید ہوئے, اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو نہیں بچایا. سوچئے یہ کہاں پدی کیا پدی کے شوربے کہاں مر رہے ہیں, حضور باقاعدہ آ کر کے ان کو پانی پلا کے جا رہے ہیں. زکریا صاحب تبلیغی نصاب کے پڑھنے والوں, اللہ کی قسم ہے, اگر ان حقیقتوں کے کھلنے کے بعد بھی تم نہ سدھرے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا. تم جہنم کی راہوں پہ جا رہے ہو, تم جس جگر پہ جا رہے ہو تعصب پھینکو, اور نہیں تو اگر ماں نے تمہیں, تم اپنے اصلی ماں اور باپ کے ہو تو آؤ, اپنے اگر اصلی ماں اور باپ کے ہو تو میں تمہارے اس نسب کا حوالہ دیتا ہوں کہ آؤ اور مجھے ثابت کرو یہ تمام سب حقیقتیں جو حضرت زکریا نے اپنی اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں, اور جس کو تم قرآن سمجھ کر کے عصر کے بعد اور فجر کے بعد اور ظہر کے بعد جو ہے مسجدوں کے اندر ہمارے ملکوں کے اندر بیچارے جاہلوں کو تم گمراہ کر رہے ہو نماز اور روزوں کے جو ہے نام پر. چنانچہ یہ دیکھیں جناب, صفحہ 184 کھولتے ہیں ہم, 484, اس کے اندر لکھتے ہیں چلیں چھوڑیں بہت لمبے باب بنی کہتے ہیں باب بنی ابو سعید خزاد کہتے ہیں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں باب بنی شیبہ سے نکل رہا تھا, دروازے سے باہر میں نے ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے دیکھا, نہایت خوبصورت آدمی کو میں نے مرے ہوئے دیکھا باب بنی شیبہ کے سامنے پڑا ہوا دیکھا, کہ مرا ہوا پڑا ہوا. میں اس کو غور سے دیکھنے لگا, وہ مردے کو غور سے دیکھنے لگا تو وہ مردہ میری طرف دیکھ کر کے ہنسنے لگا. سوچو یہ کوئی فلم کی کہانی سٹوری بیان کی جا رہی ہے یا کوئی جنات اور بھوت کی کوئی سٹوری بیان کی جا رہی ہے. وہ مردہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا, ابو سعید اوہو, صرف ہنسنے ہی نہیں لگا, دیکھنے ہی نہیں لگا, باقاعدہ ان کو پہچانتا بھی تھا. کہتا, ابو سعید تمہیں معلوم نہیں کہ محبت والے دوست مرا نہیں کرتے, ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. اعوذ باللہ اعوذ باللہ, دیکھ رہے ہیں آپ. پھر وہ پڑا ہوا کیا کر رہا تھا, وہ مردہ یہ تبلیغی جماعت والے اپنے مردوں کو زندہ ہی دفن کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں زندہ ہی دفن کرتے ہوں گے. اس کتاب کے بنیاد پر تو عدالت میں کورٹ میں ان کے خلاف اپلیکیشن داخل کرنی چاہیے کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو زندہ دفن کرتے ہیں, ان کے مردے سارے زندہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو قبروں میں نہ دفن کیا جائے, اور پہچان کے لیے ان کو انگاروں میں ڈال دیا جائے تاکہ پتہ چلے بھائی زندہ ہیں مر گئے ہیں, کیونکہ یہ لوگ قبروں میں جا کے آنکھیں کھولتے ہیں, بڑی مستیاں کرتے ہیں قبروں کے نیچے, انگوٹھے پکڑتے ہیں, کہے لگاتے ہیں, ہنستے ہیں, باقاعدے وعد و وعید کرتے ہیں, اپنی وجاہتوں سے بخشواتے ہیں, باقاعدے یہ تمام لوگ وعدے کرتے ہیں. ذرا ان کے مردوں کو اس طرح کو آزمایا جائے الیکٹرک دے کر کے کہ یہ مر چکے ہیں صحیح طور پہ کہ نہیں مرتے. یہ کون سا عقیدہ ہے, مردے مرتے نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت آئی, آپ کی لاش مبارک رکھی ہوئی, صحابہ کرام کے اندر انتشار ہوا, جھگڑا ہوا, اللہ کے نبی نے تو زبان نہ کھولی. یہ کون سے مردے تھے جو کہے لگا رہے ہیں, یہ کون سے مردے تھے جو انگوٹھے پکڑ رہے ہیں, یہ کون سے مردے تھے جو باقاعدے اپنی وجاہتوں سے آخرت میں نجات کے وعدے کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, جس کو خود پتا نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ کی قسم, اگر ان واقعات کے اوپر میں بولوں نا تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے, میرے پاس وقت نہیں ہے. اس لیے آئیے میں اپنی بات کو سمیٹ چھوڑیں, آپ حضرات کو اشارہ دے دیتا ہوں, بس اب یہ چھوڑیں, میں یہ اب یہ کلوز کر رہا ہوں. اللہ کی قسم, اس فضائل صدقات میں ایسے بدباطی نقیدے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آگے چلتے ہیں, ہماری منزل فضائل حج بہت ہے, میں نہیں چاہتا ان کو چھیڑنا, اور نہ میں زیادہ کیا بولوں. میں
तबलीगी जमात का अकीदा यह है कि मुर्दे सुनते हैं और बाकायदे बोलते भी हैं। चुनांचे फजाइल हज उठाइए सफा नंबर 170, फजाइल हज सफा नंबर 127। अभी जो मैंने फजाइल हज सफा नंबर 127 ये देखें। अभी तो हम ये जानते थे ना, तबलीगी जमात का यकीदा है कि मुर्दे सुनते और बोलते हैं, है ना। अभी तक हम ये जानते थे मुर्दे सुनते मुर्दे बोलते भी हैं। चुनांचे ये देखिए, मौला जकरिया साहब ने सफा 127 के अंदर लिखा है कि इब्राहिम बिन शैबान कहते हैं कि मैं हज से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ और मैंने कब्र शरीफ के पास जाकर सलाम अर्ज किया तो मैंने हुजरा शरीफ के अंदर से आवाज सुनी और वो आवाज क्या थी, वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से क्या आवाज आई, वालेकुम। नीचे से लोडी स्पीकर लगा हुआ था क्या? अभी अल्लाह के नबी भी मट्टी के नीचे हैं भाई, और बाकायदे इनके अकीदों के हिसाब से तो बाकायदे चारों तरफ प्लस्तर की आवाज, सीसे पिलाई हुई दीवारें, ऊपर आवाज कहां से आ रही है? हाँ? सुनो और सुनो, कहते हैं सैयद नूरुद्दीन एजी शरीफ के वालिद ने सलाम अर्ज किया तो सारे मजमे ने, एक ही नहीं सारे मजमे ने कबर शरीफ से सुना, वालेकुम या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुम्हारे ऊपर सलामती हो। फजाइल हज सवा नंबर 131। इसी तरह लिखते हैं कि अबू बकर दयार बिक्री को भी सलाम का जवाब मिला, शेख अबू नसर करखी ने इस सलाम के जवाब को सुना। सवाल यह है कि ये सुनने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को पहचानते थे? फिर कैसे ये समझ गए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज? इनसे कोई पूछे कि ये तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुने थे कभी जिंदगी में? ये बुजुर्ग सहाबे कराम सलाम करें जिन्होंने सुना जवाब ना आए, हजरत आयशा सलाम करें जवाब ना आए, अबू बकर सलाम करें जवाब ना आए, उमर बिन खत्ताब सलाम करें जवाब ना आए, हस्ते अली सलाम करें जवाब, नवासे रसूल सलाम करें जवाब ना आए, अजवाजे मुतहरात सलाम करें जवाब ना आए। ये तबलीगी जमात के ये तबलची मुल्ले हैं, इनको क्या कहें जो बाकायदे जवाब सुन रहे हैं? इनको क्या कहें? जकरिया साहब अगर ये जिंदा होते अल्लाह की कसम तो मैं इनको क्या कहूं, ये तो मर गया है आदमी। अब ये तो गंद फैला करके उम्मत के अंदर है, हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों को गुमराह करके गया ही। लेकिन मुसलमानों तुम खुद सोचो, तुम्हें अकल है, तुम खुद समझो, इस किताब को खुद पढ़ो, देखो अपनी आंखों से देखो, तुम कब तक गुमराह होते रहोगे? और सुनो, यही नहीं, और अगर ये वाकयात सच है, अगर ये वाकयात सच्चे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि अब क्या रुकावट है जवाब आने में? अब क्यों नहीं सलाम का जवाब आता है? हर साल लाखों की तादाद में लोग जियारत के लिए जाते हैं, लेकिन सारे के सारे सलाम का जवाब सुनने से महरूम रहते हैं। कोई तबलीगी भी सुना है सलाम का जवाब? बताओ, जवाब दो, क्या वजह है कि अब औलिया अल्लाह नहीं रहे दुनिया में? सिर्फ औली अल्लाह ही वही दो चार सुनते थे, बाकी आप नहीं कोई सुनता? और जवाब सुनने में तो इन्होंने कहा कि पूरे मजमे ने सुना, तो क्या पूरा मजमा? भाई एक वली अल्लाह सलाम करे, पूरे मजमे को सुनाया जाए। और आज अगर ऐसा हो जाए तबलीगी जमात वाले भाइयों, इनसे कहो कि तुम सुनवाओ हमको, तुम सुनवाओ, और लाउड स्पीकर लगा दो, खादिमुल हरमैन शरीफैन के यहां अप्लाई करके कि लाउड स्पीकर लगा दो, ताकि पूरी दुनिया में बाकायदे वो आवाज सुनाई जाए। नबी की आवाज है, नऊज बिल्ला, ये कैसी बदअकीदगी है जो हजरत जकरिया ने अपने इस किताब में लिख करके जो है उम्मत को गुमराह करने की कोशिश की है। और इसी तरह कहते हैं, सुनिए, फरमाते हैं कि हजरत ये फजाइल हज सफा नंबर 138 कहते हैं कि हजरत अबू बकर की वसीयत के मुताबिक हजरत अली ने उन्हें हुजरे में दफन करने की इजाजत मांगी। ये वाकया बयान किया है इस मुहद्दिस ने, हमारे आहद का मुहद्दिस है, जो सबसे बड़ा मुहद्दिस बिदती और गपबाज और झूठा और मक्कार है। ये मर गया, मैं इसको क्या बोलूं, लेकिन इसके मानने वाले सबसे बड़े झूठे और मक्कार और अय्यार हैं। और अगर कोई तबलीगी तुमसे मिले तो उसका गिरेबान पकड़ के उसको बोलो कि ये तू बता हमें ये वाकयात तेरे हजरत ने कहां से नोट किए हैं, वरना जूता निकाल के उसकी नाक पे रगड़ो ताकि उसकी अकल ठिकाने आ जाए। अगर वो गप करे और अगर वो इधर उधर की करे, आज यही करना है,
इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसका यही इलाज है कि जो अकड़े उसको पकड़ के और जूते लेकर के उसकी पिटाई शुरू की जाए और उसको बताओ कि तू बता ये अकीदा कौन से कुरान की आयत से साबित होता है और कौन सी हदीस में है। हजरत अबू बकर को भी इन जालिमों ने नहीं छोड़ा और कहा, हजरत अबू बकर ने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश ले जाकर के हुजूर से कहना कि या रसूलल्लाह अबू बकर दफन होने की इजाजत मांग रहा। नऊज बिल्ला, ये कौन सी रिवायत, कहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कहा। लेकिन अल्लाह देखे, कहते हैं कि चुनांचे हजरत अली जब उनकी लाश लेकर के गए और हुजूर के हुजरे मुबारक के पास वहां इजाजत मांगी तो एकदम हुजरे के किवाड़ खुल गए ऑटोमेटिक। जैसे आजकल आप एयरपोर्टों पे जाएं ना या बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों में जाएं तो जैसे ही आप जाएं फट से दरवाजे खुल जाते, ना आपको कुछ कहने की ना कुछ, फटाफट खुल जाते ऑटोमेटिक बंद। ऐसे ही वो ऑटोमेटिक जमाने में दरवाजे क्या हो गए, खुल गए और आवाज आई कि दोस्त को दोस्त के पास पहुंचा दो। नऊज़ुबिल्लाह, दोस्त को दोस्त के पास पहुंचा दो। इसी तरह का वाकया हजरत आयशा से भी मरवी है जिसमें यह लिखा हुआ है कि एजाजो इकराम के साथ मेरे दोस्त को अंदर ले आओ। लिखते हैं हजरत जकरिया ने लिखा है कि खसाइसे कुबरा में इन दोनों को जिक्र किया गया है मुहद्दिसाना हैसियत से, यानी अहले हदीस जो मुहद्दिस हैं उनकी हैसियत से ये रिवायतें मुनकर हैं। मुनकर यानी जूते की सड़ी नहीं, हाँ मुनकर यानी बातिल हैं, लेकिन तारीखी हैसियत तो बाकी है। देवबंद की तारीखी हैसियत है, देखें ये मुहद्दिस है, ये लिख भी रहा है कि तारीखी हैसियत मुहद्दिसाना हैसियत से ये रिवायतें मुनकर हैं, झूठ हैं, गप हैं, बातिल हैं, लेकिन तारीखी हैसियत जैसे इसकी गप्पों की तारीखी हैसियत तबलीगी जमात वालों के यहां है। अबे जालिम, तूने ये क्यों नहीं कह दिया कि और तूने लिखा क्यों ऐसी मुनकर और झूठी और बातिल रिवायतों को, और फिर उसके ऊपर तू गू लगा के उसके ऊपर तू इतर की शीशी डाल रहा है। अबे गू को साफ कर दे तो इतर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कह करके इसने अपनी यहूदियत के अकीदे को बतलाया है कि इसकी तारीखी हैसियत जाहिर है, वादे है। मुसलमानों, किसी के नमाज रोजे के धोखे में ना हो, नमाज के घट्टे टखने से ऊपर पिजामे और जो है घुटने के नीचे कुर्ते और बिस्तरे और लोटे इन और तस्बीहें और इनसे अल्लाह की कसम धोखे में ना हो। अल्लाह की कसम, ये शैतान है, ये शैतान की औलाद है, ये शैतान की औलाद हैं और ये मुसलमान नहीं हैं। ये इस ऐसे अकीदे रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। यहूदी नसरानी से भी बदतरीन अकीदा है ये जो ये अकीदा रखता है। और आ गया है, देखें एक बुजुर्ग दफन हुए, किसी ने तलखीन की कि शेख नजमुद्दीन अस्फहानी हंसे और बाद में फरमाया कि मैंने सुना बुजुर्ग कह रहे थे कि देखो जी मुर्दा जिंदे को तलखीन कर रहा है। नऊज बिल्ला। फजाइल हज सफा नंबर 194। अब आपको हम बताएं कि आप जरा सुने कि इसमें तो मुर्दों का बोलना सराहतन मुर्दे बोलते हैं यह अकीदा साबित किया जा रहा है। मैं तबलीगी जमात से कहता हूं कि तुम भी, तुम्हारे अमीर उमीर मरे बुजुर्ग तो बड़े बड़े वली अल्लाह होते हैं ना, जरा उनकी भी बोली हमें सुना दो, या कम अज कम तबलीगी जमात के वालों को सुना दो उनकी बोली। तुम सुना तो नहीं सकते, तब रहा झूठ बोल बोल करके फजाइल जरूर लिखोगे, हाँ उनकी फजाइल जरूर लिखोगे। और तबलीगी जमात वालों ने इनसे पूछो कभी ऐसा कोई तजर्बा भी किया है कि कोई मुर्दा बोला हो और बाकायदे जो है इन्होंने सुना हो, अगर ऐसा कुछ हो तो इत्तला जरूर भेजेंगे। वैसे बाद लोग ये कह सकते हैं कि नेक लोग सुनते हैं। अरे भाई नेक लोग क्यों सुने, बुरे लोग क्यों ना सुने, नेक और बुरे दोनों को सुनवाओ। अरे मुर्दा जब बोल रहा है तो नेक और बुरे की क्या तमीज है, सब सुन सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने नेक वाले को भी सुनने की कुव्वत दी है और बदवा बुरों को भी सुनने की कुव्वत अता फरमाई है, तो सुन तो दोनों सकते हैं। और पहले यह झगड़ा होता था कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं, पहले यह झगड़ा होता था लोगों के दरमियान क्या कि मुर्दे सुनते हैं या नहीं। अब यह झगड़ा नहीं होता, यह झगड़ा तो फाइनल हो गया। अब यह झगड़ा है कि जिंदा मुर्दों की सुनते हैं या नहीं, जिंदा मुर्दों की सुनते हैं या नहीं, यह झगड़ा है। यह भी फाइनल हो गया कि जिंदा मुर्दों की सुन भी सकता है, बाकायदे उसके सब कुछ समझ सकता है, तालीम भी ले सकता है, उसे हंसी मजाक भी हो सकते हैं, वो अंगूठे भी पकड़ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। जनाबे अली, मैं तबलीगी जमात से कहूंगा ये तो तुमने लिख दी है अपनी किताबों में, लेकिन इसका अमली नमूना भी हमें दिखा दो तो मैं मान लूंगा, है कि नहीं भाई।
भैया मुर्दे सुनते हैं और जिंदे उनकी बोलियां समझ जाते हैं, सब सुनते हैं, तो जरा इनका अमली नमूना भी हमें किसी रायवंड या निजामुद्दीन मरकज से लाके दिखा दो, बता दो। तुम्हारे तबलीगी बहुत मरते हैं, मरते होंगे, यूं ही बिस्तरों पे या कहीं सड़कों पे मर जाते होंगे, इनको जिहाद में मरने की तो तौफीक नहीं है। बहरहाल और सुने, जकरिया साहब लिखते हैं कि सैयद अहमद रफाई, यही फजाइल हज सफा नंबर 131 पर लिखते हैं कि सैयद रफाई ने कब्र अतहर पर हाजिर होकर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल अपना दस्ते मुबारक अता कीजिए ताकि मेरे होठ उसको चूमे। उस पर कब्र शरीफ से दस्ते मुबारक बाहर निकला और उन्होंने उसको चूमा। कहा जाता है कि उस वक्त तकरीबन 90,000 का मजमा था जिन्होंने इस वाकये को देखा और हुजूर के दस्ते मुबारक की जियारत की, जिनमें हजरत महबूब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम नामी भी जिक्र किया जाता है। फजाइल हज सफा नंबर 131। गुस्ताखी न समझें तो मैं जरा पूछूं कि उस जमाने में, जिस जमाने में सैयद रफाई या शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, क्या मस्जिद नबी में 90,000 लोगों के जमा होने की जगह थी? गप छोड़ो तो जरा समझ बूझ के छोड़ो, आज 90,000 वहां जमा नहीं हो सकते हैं। जो मस्जिद नबी आज इतनी उसात के बावजूद भी 90,000 जमा हो सकते, हमें बताओ जरा, आज नहीं जमा हो सकते तो उस जमाने में कैसे जमा हो गए? और दूसरे ये कि मैं जरा पूछूं, चलो मान लेते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हाथ निकला है और उस हाथ को पूरे मजमे में देखा, पूरे जमे गफीर ने देखा, तो मैं समझता हूं वो हाथ तो ना हुआ, वो तो कोई मनारा हुआ है। कब्र शरीफ से हाथ निकले और 90,000 के लोग देखें, वो हाथ तो ना हुआ, वो तो कोई मनारा हुआ, मगर इस सूरत में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ नहीं होगा, कोई शैतानी हाथ होगा जिसको लोगों ने देखा होगा और इन्होंने चूमा होगा, नऊज़ बिल्लाह। हां, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू कदोकामत के थे, आप कोई पहाड़ की चोटी के बराबर नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामत कदोकामत जो थी वो मौजू थी। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी हवाला दिया गया है, इनसे जरा पूछे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जितनी तसनीफात हैं, बहुत बड़े आलिम थे वो और उन्होंने कई किताबें लिखी, उनकी इतना बड़ा वाकया हुआ और उन्होंने देखा तो उन्होंने जरूर अपनी किताब में यह वाकया लिखा होगा, लेकिन कोई मुझे बताए कि क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इस वाकये को अपनी किताब में लिखा है? हरगिज नहीं, कहीं उनकी किसी किताब में यह वाकया नहीं लिखा है। यह वाकया अगर लिखा है तो तबलीगी जमात के इस मुहद्दिस ने लिखा है, देवबंद के इस झूठे ने लिखा है, और देवबंदी तो सारे झूठे ही होते हैं, समझ रहे हैं? ये उलमा, मैं जाहिलों की बात नहीं कर रहा, जाहिल बेचारे तो झूठ के शिकार हैं, वो झूठ के फंदे में आए हुए हैं। और आगे आए, मैं आपको बताऊं, सफा नंबर 130 के अंदर हजरत जकरिया साहब लिखते हैं क्या कि मस्जिद नबी में सोने वाले एक शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़कर मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा पहुंचा दिया। मसलन वाकया है कि एक आदमी ने कहा था कि जब तुम मदीना जाना तो मेरा सलाम हुजूर के रोजे पे कहना। अब वो बेचारा ज़ुल्हुलैफा पहुंच गया, काफिला जाने लगा, उसको याद आया तो उसने कहा, अरे मैं तो उनका सलाम नहीं पहुंचाया, मैं मक्का जा रहा हूं, चलो मैं तो। काफिले वालों ने कहा तू छूट जाएगा, बोले छूट जाऊंगा, मैं जाके उनका सलाम बोल के आता हूं। वो गया और वहां सलाम बोलने काफिले वाले चले गए, चुनांचे ये आके मस्जिद में सो गया। ख्वाब में आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब में क्या बाकायदे कहने गए, तू बड़ा भारी वफादार है। वो अल्लाह के नबी ने फरमाया अबुल वफा, तो उसने कहा हुजूर मेरा लकब मेरी कुनियत अबुल वफा नहीं, अबुल अब्बास है। कहने लगे नहीं, तू अबुल वफा है, क्यों? इसलिए कि तू बड़ा वफादार है, उनका तूने सलाम पहुंचाने के लिए काफिला छोड़ दिया और वफादारी में आया, चल तुझे मक्का पहुंचाता हूं। चुनांचे वो उसकी जब नींद खुली तो वो कहां था मालूम है? वो मक्के में था। बाकायदे हुजूर अलैहिस्सलाम कहां से कहां पहुंचा रहे हैं जनाबे आली, मस्जिद नबी में सोए हुए लोगों को कहां से कहां पहुंचा रहे हैं, नऊज बिल्लाह। और सुने, ये मौजदे बाकायदे अल्लाह के नबी के वफात के बाद भी जारी हैं, ये अकीदा बतलाया जा रहा है। आप जरा मैं पूछना चाहता हूं कि जिंदगी में तो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान को मक्का से हुदैबिया ना बुला सके। वाकया मालूम है ना कि हुदैबिया के मौके पर हजरत उस्मान को मक्का भेजा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के नबी को पता चला कि उनको शहीद कर दिया गया तो अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा को जमा करके बैत ली थी और उसके ऊपर कुरान की आयत नाजिल हुई थी कि ए नबी, आपके हाथों पर जो बैत कर रहे हैं वो असल में आपके हाथों पर नहीं बल्कि अल्लाह के हाथों पर बैत कर रहे हैं। ये वाकया हुआ था कि नहीं हुआ था? अल्लाह के नबी मक्के से उस्मान को न बुला सके,
ہیں؟ اللہ کے نبی کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ عثمان زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں، باقاعدہ جنگ کے اوپر بیعت بھی ہو رہی ہے، اور یہ ایک عام آدمی جس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس عام آدمی کو مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات، جب زندہ تھے تو نہ کر سکے، زندہ تھے اللہ کے نبی تو نہ بلا سکے، اور اس ایک عام آدمی کو وفات کے بعد قبر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ فیک کر دیا، مکہ بھیج دیا اس کو، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ تو ہم قرآن و سنت کے سمجھنے والوں کے ذہنوں میں تو یہ عقیدے نہیں آ سکتے، البتہ ان بندل باز بدعقیدہ مشرک بدعتیوں کے ذہنوں میں یہ واقعات اچھی طرح سے آئیں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں، ایک اور واقعہ بتاؤں آپ کو، پانی کا ڈول، اور ذرا اس واقعے کو غور سے سننا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بتایا کہ آج کھڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جب گھیرے میں تھے حضرت عثمان غنی، سمجھ رہے ہیں، تو حضرت عثمان نے کہا عبداللہ ابن عباس سے، کھڑکی سے آج حضور کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تمہیں پیاسا کر رکھا ہے، آپ نے فرمایا تمہیں لوگوں نے پیاسا کر رکھا ہے عثمان، میں نے عرض کیا جی ہاں، اس پر حضور نے ایک ڈول پانی کا لٹکایا۔ دیکھیں ہم ابھی تک کہتے نا کہ حضور اپنے داماد کو نہ پلا سکے، یہاں تو وہ بھی ثابت کر رہے زکریا تھا، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو بھائی، لیکن سنو رائٹر نے تھوڑی بہت چوک کی ہے جس سے جھوٹ کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ دیوبند کے محدثوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ہم جیسے فقیروں کی سمجھ میں آتی ہیں یہ باتیں، ہاں یہ دیوبند کے محدث جو دونوں آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنو، کہتے ہیں پانی لٹکایا، جس میں سے میں نے پانی پیا، حضور نے ڈول لٹکایا تو اس میں سے پانی پیا، اس پانی کی ٹھنڈک اب تک مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ان کے مقابلے میں مدد چاہتے ہو، ان کے مقابلے میں جنہوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے مدد چاہتے ہو، یا میرے پاس آ کر روزہ کھولنا چاہتے ہو، روزہ افطار کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور کی خدمت میں حاضری چاہتا ہوں، چنانچہ اسی دن شہید کر دیے گئے۔ فضائل حج صفحہ نمبر 132۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ آپ بتائیں اس واقعے میں جھوٹ کہاں چھپا ہوا ہے اور کیسے پتا چلتا، آپ بتائیں جی۔ جزاک اللہ خیر الجزا، کہہ رہا ہوں نا ان وہابیوں کی سمجھ میں آئے گی، ان دیوبندی گلابی وہابی جو بنتے ہیں، کہتے ہیں نا سعودی آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، ہے نا، اور یہاں تبلیغی جماعت والے جوتیاں چٹ کھاتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم لوگ مکے کی زندگی سعودیہ میں گزار رہے ہیں۔ ابے منافق، عبی بن کعب کی اولاد ہے نا، ہاں عبی بن سلول کے پوتڑے، تو کیا تیری کیا حیثیت سعودی عرب مکہ کی سرزمین جیسی، جو کفار و مشرکین کا زمانہ تھا وہ زمانہ ہے یہ ظالم بدعقیدہ مشرک، تیری سمجھ میں نہیں آتا تجھے کن احمقوں نے تعلیم دی ہے، گمراہ کہیں کا، کہہ رہا ہے کہ ہم سعودیہ میں، جب ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی تم بھی کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دو، کہتے ہیں ہم سعودی عرب میں جو ہے مکے والی زندگی جو حضور کی تھی نا، چپکے دعوت دینا وہ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر جتنے علماء ہیں سارے مشائخ ہیں، سب ابو جہل، ابو لہب، عتبہ ابن شیبہ اور اس زمانے کے کافر اور مشرکین جیسے ہیں، نعوذ باللہ، یہی تو کہنا چاہتا ہے یہ جاہل، ابن الجاہل، جاہل کا بیٹا، جاہل کی اولاد، مشرک بدعقیدہ، یہ اس طرح کے یہاں پہ تانے دیتا ہے خبیث، اس کے وجود کو اس سرزمین سے پاک کر دینا چاہیے، بلکہ اس کو اس دنیا سے پاک کر دینا چاہیے جو اس طرح کے بدعقیدگی امت کے اندر پھیلا رہا ہو۔ سنو، وہی بات ہے، رائٹر نے چوک کر دی، ایک طرف کہہ رہا حضور نے پانی پلایا، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ روزہ ہمارے پاس کھولنا، ابے جب وہ روزہ تھے تو انہوں نے پانی کیوں پیا، تیری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، یا حنفی مذہب میں پانی بھی پیو، کھانے بھی کھاؤ، پھر بھی روزے سے رہو، سمجھ ذرا، سوچو ذرا، عقل سے کام لو۔ تبلیغی جماعت والوں کو چاہیے ذرا اچھے رائٹر تلاش کریں، سلیم جاوید جیسے لوگ، ہاں ان کو اچھی کہانیاں دیں گے یہ لوگ، یہ ایسی کہانیاں ہم لوگوں کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جاتی ہیں۔ حضرت حسین پیاسے کربلا میں شہید کر دیے گئے، ہاں حضور نے انہیں پانی نہیں پلایا، اور حضرت عثمان نے سارا ڈول ہی خالی کر دیا، ان سے کوئی پوچھے تبلیغی جماعت کے مولویوں سے پکڑ کر کے، اور سنیں مشکل کشائی، ہم سمجھتے ہیں یہ بیچارے رضا خانی بریلوی بیچارے یہی یا غوث المد یا خواجہ چشتی یا غریب نواز چشتی لگا دے پار کشتی، یا خواجہ المدد یا غوث المدد، یہی مشکل کشائی سمجھتے ہیں، زکریا صاحب کے ماننے والے تبلیغی جماعت والے ان کی مشکل کشائی دیکھو، ان کو سنو، صفحہ نمبر 133، فضائل حج صفحہ نمبر 133 آپ اٹھائیں، چنانچہ لکھتے ہیں
मैं मुख्तसर मुख्तसर करके वाकया बता रहा हूँ, क्योंकि लंबा लंबा है भाई, जब लंबा लंबा है जभी तो इतनी मोटी हो गई है किताबें। ये लिखते हैं, कहते हैं कि अबू जुरा को फाका था, भूख लगी थी अबू जुरा को, कई दिन के भूखे थे, कब्रे अनवर के पास मुराकबे में बैठ गए, यानी घुटनों में सब बैठ गए। हुजूर ने उन्हें दिरहम दिए जिन्हें उन्होंने शिराज तक खर्च किया। हुजूर ने को ख्वाब में उन्होंने मुराकबे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिरहम दिए, अशरफियां दी जो कि उनके खर्चे के लिए 133 सफा। और इसी तरह कहते हैं जकरिया साहब कि शेख अहमद बिन मोहम्मद सूफी रोजे अकदस के, इनके बाप का मोहम्मद बिन मोहम्मद सूफी, ये पहले से सूफी थे, ये अपना लकब इनका सूफी था, ये सूफी तो खुद यहूदी खबीस होते हैं, मरदूद, समझ रहे हैं। लिखते हैं कि रोजे अकदस के पास बैठ गए, 13 माह से परेशान थे, कितने माह से, 13 माह से। और क्या हुआ था मालूम है, सभा नंबर 134, ये 13 माह से जंगल में फिर रहे थे। ये कहां फिर रहे थे, जंगल में फिर रहे थे। इनको जंगल में क्या, शेख अहमद ये जंगल में फिर रहे थे, इनकी खालें बदन की छिल गई थी, ये जंगल में क्या कर रहा था 13 महीने से, हैं? ये क्या ढूंढ रहा था जंगल में, ईश्वर की तपस्या कर रहा था, ये साधु संतों का धर्म बताने वालों, अरे इन मरकजों को तोड़ करके तुम कुरान सुन्नत की तालीम और कुरान सुन्नत के नहज पे चलो, इस्लाम इस्लाम के अंदर रुहबानियत नहीं है, तुम तबलीगी जमात वालों को गुमराह कर रहे हो, पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हो तुम लोग, अल्लाह के लिए अल्लाह का खौफ करो, डरो। सुनो, कहते हैं कि दोनों हाथ भर परेशान थे, हुजूर ने उनको उनके दोनों हाथ दिरहमों से भर दिए। फजाइल हज सफा नंबर 134। सवाल यह पैदा होता है, ये सिक्के जो हुजूर बांट रहे थे हुजूर को कहां से मिले भाई, कब्र थे हुजूर को कहां से मिले, हुजूर कहां से लाए? और फिर सिक्कों पर तो शाही मोहर लगी हुई होती है, शाही मोहर लगी होती है, असली मोहर के बगैर वो तो कहीं कहीं से भी आए तो वो तो जाली ही होंगे, है कि नहीं? और क्या आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदे खजानों में लाला के हो सकता है, इनके यहां यही अकीदा होगा भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ताहिरुल कादरी कहता है कि हमारे खजाने में हुजूर की जूतियों के सदके से माल आ रहा है, समझ रहे, हुजूर की जूतियों के सदके से माल आ रहा है। और मैं समझता हूं कि ये शैतान है जो बैतुल माल से मुसलमानों के बैंक मुसलमानों के घरों से चुरा चुरा करके इनको दे रहा है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज़ नहीं ऐसा कर सकते हैं। और ये बेचारे जाहिल ये समझ रहे हैं ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत है। और आज भी जरा हमें बतलाओ, तबलीगी जमात वाले जाओ हुजूर की खबर के पास कहीं दूर ही बैठ जाओ पुलिस के डंडे से बचने के लिए, तुम्हें पता है ना कि आज वहां जाएंगे तो डंडे पड़ेंगे, तो जरा दूर कहीं करीब बैठ जाओ मुराकबा करके देखें तुम्हें सऊदी रियाल गड्डियों के गड्डी आ जाए, फिर नौकरियां क्यों करते हुए, हाँ जाओ मुराकबे करो हुजूर से, कहो हुजूर हमें जो है 500-500 के गड्डियां दें, देखें पहुंचते हैं तुम्हारे पास हाथों में। ये सब कहने की बातें हैं, गप और झूठ। कहते हैं कि और सुने, एक काफिले में एक बुजुर्ग ने एक गरीब ज़ईफ़ा औरत की मदद करना चाही, तो ज़ईफ़ा ने हाथ ऊपर कर उसने मदद करना चाही कि चलो भाई ये गरीब है ज़ईफ़ है इसकी मदद कर, 200-300 दिरहम दिए, उसने लेने से इनकार कर दिया और ज़ईफ़ा ने ऊपर हाथ किया, उस औरत ने ऊपर हाथ किया तो मुट्ठी में दिरहम आ गए, मुट्ठी में दिरहम, हमारे हाथ तो खाली है भाई, ये तो ये मदारी की अम्मा लग रही थी, लग रहा है हमारे यहां मदारी ऐसे ही करते हैं, ये देखो खड़ा सिक्के पे सिक्के आ रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहा सिक्के आ रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहा सिक्के, ऐसे ना मदारी ऐसी कर रहे हैं ना। उसने कहा, वो बुढ़िया बोली, कहने लगी तू जेब से निकाल रहा है हमने गैब से लिया है, जेब और गैब बड़ा फर्क है भाई, जेब और गैब में, जेब यहां है नीचे और गैब तू जेब से निकाल रहा है हम गैर से निकाल रहे हैं। इसी तरह कह रहे हैं शेख अबुल खैर अख्ता बयान करते हैं कि मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, रोज़े अक़दस पर सलाम किया और कहा कि हुजूर आपका मेहमान हूं, हुजूर का मेहमान बनकर सो गया, ख्वाब में हुजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उस्मान हजरत अली हजरत उमर और हजरत अली तशरीफ लाए तो आपने मुझे एक रोटी मरहमत फरमाई, मैंने आधी खाई और जब मेरी आंख खुली तो आधी मेरे हाथ में थी। ये फजाइल हज सफा नंबर 138 और यह फजाइल दरूद में भी यह वाकया गुजर चुका है। बहरहाल मेरे अजीज मेरे भाई, ये वाकयात जो हैं बहुत सारे वाकयात हैं, इन वाकयात से खुले तौर पर यह पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने के बाद आज भी मुश्किलात को हल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा हैं, किसी को खाने की कमी हो, रुपए की कमी हो, राशन पानी की कमी हो, पैसे की कमी हो, तेल की कमी हो, किसी भी चीज की कमी हो, हुजूर से अर्ज करे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तक बाकायदे पहुंचाते हैं, सब कुछ अता फरमाते हैं, मुश्किल कुशा हैं। और सुने, मैं बहुत तेजी में चल रहा हूं, मैं आज प्रोग्राम खत्म करना चाहता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है,
ये देखें पिछले लेक्चरों में आपने एक वाकया मैंने आपको बताया था, आपने सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के यहाँ आए थे, उसके गाल पर बोसा दिए थे तो एक हफ्ता तक उसकी खुशबू बाकी थी ना। यहाँ देखें सफा नंबर 177 में देखें, लिखते हैं कि एक 12 साल फौत शुदा नौजवान ने, एक 12 साल लड़का जो मर गया था, उसने ख्वाब में इब्राहिम नामी एक बुजुर्ग के साथ मुसाफा किया जिसकी खुशबू मरते दम तक कायम रही। ख्वाब में वो 12 साल लड़का मुसाफा करे तो उसकी खुशबू कितने दिन तक रहे, बोलो भाई, मरते दम तक रहे। और नबी आकर के गाल पे बोसा दे के जाए तो उसकी खुशबू सिर्फ कितने दिन तक रहे, गप। ये देखें, यानी उस वो लड़का हुजूर से भी आगे था, तबलीगी जमात कर रहा होगा भाई, ये लोग तो नबुवत से भी आगे गुजर चुके हैं, नबुवत के मरहलों से भी ये पार कर चुके हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। इसी तरह से कहते हैं, और शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में जर्दा खिलाया। हुजूर को जर्दा कहां ख्वाब में मिल गया भाई, ये जर्दा तो पाकिस्तानी और इंडियन हिंदुस्तानी और डिश है भाई, ये अरब वालों की डिश तो जर्दा नहीं है बेचारे, तो जानते नहीं ये असल में जर्दे पुलाव खाने वाली कौम समझ रहे, इनको ख्वाबों में भी छिछड़े नजर आते हैं, बिल्ली जैसे ख्वाबों में छिछड़े देखती है। कह रहे हैं कि शाह वलीउल्लाह के वालिद को नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में जर्दा खिलाया, आंख खुली तो हाथों से जाफरान की खुशबू आ रही थी। ओहो, सुने, तब तेरा आपके ऊपर है। कहते हैं एक दफा बीमारी में हुजूर उनकी आदत को तशरीफ लाए, अपनी दाढ़ी के दो बाल उन्हें दिए। ये भी मैं बयान कर चुका हूं, लेकिन इसको मुकर्रर कर रहे हैं ज़करिया साहब फ़ज़ाइल हज में भी इसी को जिक्र कर रहे हैं। और माफ रखना, मैं बताऊं, ये दाढ़ी वगैरह के सिलसिले में किसी से बदला लेना हो तो उड़ा दो, मतलब हमारे काजी साहब हैं, अगर काजी साहब का कोई दुश्मन हो, हमारे काजी साहब भाई, काजी अब्दुल माजिद साहब, अगर उनको कह दे कोई कि जनाब अली काजी साहब की दाढ़ी में बड़ी बरकत है, अगर कोई आदमी 100 रियाल कहीं रखा हो उनकी दाढ़ी का एक बाल रख दे तो 10 दिन में वो 1000 हो जाएंगे। मैं समझता हूँ बदला लेने का सबसे बेहतरीन चांस है ये, एक दाढ़ी भी नहीं बची, कहीं के भी बाल नहीं बचे। हाँ, सोचें आप, इस तरह की बरकत इस तरह लुटेगी, ये क्या है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये किस तरह का मजाक किया जा रहा है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ियों के बाल तोड़ तोड़ करके बांटते फिर रहे हैं हिंदुस्तान, और यही वजह है मेरा ख्याल है जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर भी बाकायदे नुमाइश हो रही है बालों की, और हिंदुस्तानी में ये बाल नजर आ रहे हैं आपको, सारे बाल एक्सपोर्ट हो चुके थे शायद वहीं पे, नऊज़ु बिल्लाह। और किसी तबलीगी जमात वाले के पीछे किसी को लगा देना चाहिए, या इनके अमीर जो है ना, कह दो इनके दाढ़ी के बालों में बड़ी बड़ी बरकत है, तो ये तो है तवाहुम परस्त बदअकीदा, ये तो अमीर के जिस्म के रोए रोए नोच डालेंगे, ये ले जा करके चूम चाट के खाएंगे, भी तबर्रुक में रखेंगे, दालों में, हर चीज में, बड़े बड़े बरकतों में डालेंगे ये, औजुबिल्ला, बल्कि शिरनी की तरह तबर्रुकन तकसीम करेंगे काट काट करके, नऊजुबिल्ला। ये गुस्ताखी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है तो और क्या है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान हो रही है। और सुने सफा नंबर आप देखें 128 ही के अंदर आप ये देखें कि बाकायदे जनाब अली क्या कहते हैं, सफा नंबर 128 के अंदर, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा नहीं है, बल्कि इन बदबातिनों का, इन बेगैरतों का तो ये भी अकीदा है, और ज़करिया का ये भी अकीदा था कि खिज़िर अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं और बाकायदे दुनिया के अंदर सबकी मुश्किलें हल कर रहे हैं। और मेरी तकरीर खिज़िर हकीकत और खुराफात इस मौजू पर हो चुकी है, और वो जिसको हो वो सुन ले। बहरहाल इसके अंदर लिखा है कि बेहोश होकर के गिर पड़े तो घोड़े पर सवार का पानी पिलाया, और घोड़े पर सवार होके कहने लगे कि ये आबादी, कहने लगे आंखें बंद कर ले, उसने आंखें बंद कर ली, चुनांचे वो थोड़ी देर में मदीना पहुंच गया। कहने लगे आंखें खोलो, कहा क्या है, कहा मदीना आ गया, उतर जा। कहने लगे भाई तू कौन है, कहा कि जब रोजे अकदस पे पहुंचना तो अर्ज कर देना कि आपके भाई खिजर ने सलाम कहा है, आपके भाई खिजर ने सलाम कहा। क्यों, अगर ये हुजूर के जमाने में तो इन्हें पता नहीं था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तुम कहीं से भी सलाम और दरूद करो अल्लाह के फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं। ये अकीदा तो सही हदीस का यह है, और इस तरह के खुराफी अकीदे की यह कौन सी आदत है कि वहां जा जाकर के सलाम कहवाना। चुनांचे देखें, कहते हैं यही खिजर थे, अब्दाल में से एक शख्स ने खिजर से दरियाफ्त किया कि बहरहाल कहते हैं कि हजरत खिजर ने एक अब्दाल कुतुब में बता चुका हूं, सूफी और ब्रह्मन, सूफी और शैतान, ये सब सूफी है खबीस,
یہ سب صوفیوں کے چوزے ہیں, یہ سب نماز روزے کی آڑ میں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر رہے ہیں. یہ تبلیغی جماعت یہودیوں کی اور نصرانیوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے جو مسلمانوں کے ایمان اور عقیدوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. اور یہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, اور ہے کوئی مائی کلال ہمارے ملکوں کے اندر جو آ کے اس موضوع پر ربانی سے بحث کر لے, اور آؤ اس کتاب کے حوالے سے میں تمہیں یہودی اور نصرانی نہ ثابت کروں تو اس دن تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے لو. تمہارے یہودیت میں اور تمہاری بدعقیدگی میں کوئی بھی شک نہیں ہے, اور جو شک کرے وہ بھی بدعقیدہ ہو سکتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے. خضر علیہ السلام سنیں, دیکھیں یہ توہین حدیث. یہ ہمارے ہاں کے ملا نے یہ دیوبندی, ایک چاپڑی پیدا ہوا سید واڑیات کوئی ہے واہیات, وہ لکھتا ہے کہ اگر تمہیں حدیث پڑھنا ہے تو تم آؤ ذرا دیوبند کے, یہ دیوبند کی حدیث سنو. لکھ رہے ہیں کہ حضرت خضر نے ایک ابدال جو گھٹنے میں سر رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا اس علیحدہ, اور محدث عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے, محدث عبد الرزاق حدیث کا درس دے رہے تھے. خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہا کہ دنیا حدیث پڑھ رہی ہے, تم یہاں جو حدیث سن رہی ہے اور تم یہاں گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھے ہو. تو اس نوجوان نے گھٹنے سر پر ہی رکھے ہوئے اس نے جواب دیا کہ تم دیکھتے نہیں. ہاں اس نوجوان نے کہا لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ ہیں کس سے حدیثیں سن رہے ہیں؟ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں, اور میں یہاں وہ ہوں جو سیدھے رزاق سے حدیثیں سن رہا ہوں, نعوذ باللہ. اور یہی وہ عقیدہ تھا جو ان صوفیوں نے, شبلی نے اور ان صوفیوں نے, جنید بغدادی نے یہ کہا تھا کہ یہ بتلاؤ تمہارا دین مردوں کا دین ہے, تمہارا اسلام مردوں کا اسلام ہے, تمہارا دین مردوں سے آیا ہے. میں تم سے پوچھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کس سے سنی تم نے؟ تو تم کہو گے بخاری سے. میں پوچھوں کہ بخاری زندہ ہے؟ تم کہو گے مر گیا. بخاری نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا کہ یحیی ابن معین سے, اپنے استاد سے. کہا یحیی ابن معین زندہ ہے؟ کہو گے نہیں, مر گیا. یحیی ابن معین نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں سے سنی, ایک تابعی سے سنی. انہوں نے کہا وہ زندہ ہے؟ وہ تابعی مر گیا. پھر اس تابعی نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ سے سنی. ابو ہریرہ زندہ ہیں؟ مر گئے. کہا تمہارا دین مردوں سے آیا ہوا ہے, یہ صوفی کہتا ہے. تم مردے در مردے تمہاری حدیثیں بیان کرتے ہیں, اور یہاں ہم سے پوچھو گے تو ہم کہیں گے کہ حدثنی قلبی ان ربی, میرے رب نے, میرے دل نے میرے رب سے حدیث لی ہے. میرے دل نے میرے, یہ بتاؤ یہ کس کا, یہ ہمارا دین ہے؟ یہ ہمارا دین نہیں ہے, یہ کافروں کا دین ہے, اور کافروں سے بدترین لوگوں کا دین ہے. یہ مشرک یہودیوں کا دین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں, ہمارا دل سیدھے اللہ سے ڈائریکٹ تعلیم لیتا ہے, نعوذ باللہ. یہ کافروں کا دین ہے. وہی دین زکریا صاحب بتا رہے ہیں کہ کہا کہ لوگ محدث عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں, اور یہاں میں ڈائریکٹ اللہ سے حدیثیں سن رہا ہوں, نعوذ باللہ. یہ حدیث کی توہین نہیں ہے؟ یہ کیا پڑھائیں, یہ کیا جانے حدیث؟ ان کی تو تقلید کرتے کرتے ان کے گھٹے پڑ چکے ہیں. یہ تو اندھے ہیں, بدباطن ہیں, کورچکم ہیں, یہ کچھ نہیں جانتے. یہ حدیثوں کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں یہ لوگ. چنانچہ اس نے کہا غیب دانی سنو, غیب بھی جانتا تھا وہ. خضر نے کہا میں کون ہوں؟ اس نے کہا اگر میری فراست غلط نہیں کر رہی ہے, اس نے سر اٹھائے بغیر, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تم خضر ہو. میں سوچ رہے ہیں, ہم جانتے تھے کہ اللہ ہی ہمارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے. یہاں تو باقاعدے تبلیغی جماعت کے بزرگان دین بھی دلوں کے وسوسوں کو جانتے ہیں. اور سنیں جناب علی, اور سنیں, مرنے کے بعد بھی باقاعدے تصرف ہوتا ہے. چنانچہ بہت چیزیں ہیں بھائی میرے, میں کیا کیا بتاؤں آپ کو, اللہ کی قسم. ٹائم بھی وقت زیادہ ہو رہا ہے, اللہ کی قسم. میں تو سوچ رہا تھا کہ میں, یعنی زکریا صاحب 112 صفحے میں, 112 صفحہ فضائل حج آپ اٹھا کر کے دیکھیں, اس میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے آپ کے وسیلے سے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی وہ قبول ہوئی, اور جو مانگا وہ ملا. تجربے اور واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں, یعنی قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت تو نہیں ہے, سب راہ تجربے اور واقعات اس کی گواہی ضرور دیتے ہیں. اس لیے جتنا زیادہ ادب ہو سکے دریغ نہ کرے, اور یہ سمجھے کہ گویا میں زندگی میں آپ کی مجلس میں حاضر ہوں.
वहां जब हुजूर के कब्र पे जाए तो ये समझे कि मैं जिंदगी में आपकी मजलिस में हाजिर हूं, इसलिए यहां सुनो, इसलिए कि उम्मत के मुशाहदे में, उम्मत के हालात के मुशाहदे में और उनके इरादे और कस्द के जहूर में उस वक्त आप, इस वक्त आपकी हयात और ममात में कोई फर्क नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, ये बदअकीदगी देख रहे हैं आप, यानी हुजूर दिलों के इरादे, दिलों के कस्द सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। जिस तरह आप जिंदा जिंदगी में थे, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर भी जिंदा हैं और जिसको जो चाहते देते हैं। नौज़ बिल्लाह, ये नबी, इस नबी को, ये हमारा नबी है, जिसको जो चाहें ये कह दें कि हमारे नबी को सहाबे कराम ने जिंदा ही कब्र के अंदर दफन कर दिया। ज़ालिमों, तू तबलीगी जमात अपने अमीर को, अपने बाप को जिंदा कब्र में दफन करेगा? तेरा पीर मर जाए, तेरा ये हजरत मरे तो तू, या जिंदगी में तू अपने अपने पीरों को दफन करेगा? तू हमारे सहाबा के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है, तू कितना बड़ा गुस्ताख है, तेरी जुबान क्यों ना काट ली जाए और तेरे हाथ क्यों ना कलम कर दिए जाएं, तेरा वजूद इस दुनिया से क्यों ना मिटा दिया जाए, जो तू इस तरह की बकवास लिखता है कि हमारे नबी को सहाबे कराम ने जिंदा दफन कर दिया नऊज बिल्ला, और तू लिखता है कि आपकी जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं है नऊज बिल्ला, ये कौन सी दावत है, ये कौन सी तबलीग है? मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, नऊज बिल्ला, अस्तग़फिरुल्लाह। लिख रहे हैं सफा नंबर 114 में हजरत लिखते हैं कि सलाम के बाद हुजूर के वसीले से दुआ करें और हुजूर से शफात की दरख्वास्त करें कि अल्लाह के नबी आप मेरी शफात करें, अल्लाह के नबी आप मेरी शफात करें। बाद उलमा ने तवस्सुल को मना फरमाया है, लेकिन जमहूर उलमा इसके जवाब के कायल हैं। नऊज़ बिल्लाह, ये कौन से जमहूर उलमा है? तबलीगी निसाब वाले हैं जमहूर उलमा? ये जोहला की पार्टी, ये इलियासी ग्रुप, ये उलमा की पार्टी है और अपने इमाम का हवाला नहीं दे रहा है, हाँ? इसके इमाम अकीदों में फेल हो जाते हैं, यहां नहीं उनका हवाले ले, हनफी, वो शाफिया, मालिकिया, हम्बलिया के हवाले देता है, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, उन्होंने अपनी, इससे पूछ कि तू हनफी है तो तू अपनी हनफी किताबों का हवाला क्यों नहीं देता, अकीदे में तू अपनी अपने हनफी किताबों को क्यों नहीं पेश करता, तू शाफिया, हम्बलिया और उनकी मालिकिया की किताबों के हवाले देके तू मुर्तद नहीं हो रहा है, क्योंकि तेरी हनफी फिकह में यह बात लिखी हुई है कि अगर कोई हनफी है और शाफी बन गया तो उसके ऊपर मुर्तद होने की हद जारी की जाएगी, उसे इतने दुर्रे मारे जाएंगे जितने दुर्रे मुर्तद को मारे जाते हैं, तौबा करने की बात, क्यों नहीं तू लिखता? लेकिन नहीं, सुने, इसी तरह से लिखते हैं कि जनाब लिखते हैं सफा 115 ही के अंदर कि अंबिया और औलिया ने हुजूर के वसीले से दुआ की है, सलफ का यह तरीका रहा है, अंबिया ने, औलिया ने हुजूर के वसीले, जरा मुझे कोई कुरान की आयत बता दो, मुझे कोई हदीस बता दो कि हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किस नबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की है, कोई हदीस बता दो, सही हदीस बता दो। जालिमो, तुम हमारे अंबिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, मर्दूदो, तू 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 वसीला ले, तू काफिरों और मुशरिकों जैसी हरकतें करे, तू मुशरिक हो, वसीला मुशरिक लोग लेते हैं, समझ रहे हैं, वसीले की वो किस्म जो 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 चीज जो 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 ममनू है वो तू वसीला मुर्दों से ले रहा है, ये मुशरिकों का अमल है, और अंबिया अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वो मुशरिक नहीं थे, तेरा बाप मुशरिक, तू तेरे अकीदे वाले मुशरिक, तेरा इमाम, तेरा अमीर, तेरे तेरी पार्टी, तेरी गिरोह के लोग मुशरिक हो सकते हैं, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह, अगर तू अपने माँ और बाप का हलाली बेटा है तो मुझे तू जरा बता दे कि अंबिया अलैहिस्सलाम की कोई एक सही हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता दे कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे से मरने के बाद में तवस्सुल और वसीला लिया हो, जरा बताओ मुझे, और पूरे अहले देवबंद को मेरा ये चैलेंज है, बरेलवियों को छोड़ो, इनको तो अकल ही नहीं है, ये तो लेकिन ये बरेलवियों से भी बदअकल हैं, ये बरेलवियों से भी अंधे हैं और ये मुनाफिक हैं, बरेलवी तो अलैलान डंके की चोट पर इनकी तैयां पांचा, इनकी जो है दमड़ियां उधेड़ता है, लेकिन ये बीच के चूहे बन बन करके इधर उधर चुचंदर की तरह इधर उधर छुछवाते हैं और इधर उधर रोडों के ऊपर चलते हैं, ये इस्लाम के नाम पर, तबलीग के नाम पर, ये कौन सा अकीदा है जो तेरी इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, बता मुझे, समझाओ मुझे मुसलमानों, तुम बताओ। और सुने, कहते हैं सफा नंबर 19 फजाइल हज के अंदर लिखते हैं, सुने जनाबे आली, यहां सदके तुफेल में तो एक के बदले लाख माफ किए जा रहे हैं, लिखते हैं सफा नंबर 19 में,
कि अली बिन मुवफ़क कहते हैं कि मैं अरफा की रात सोया मीना में, तो मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते हरे कपड़े पहने हुए आसमान से उतरे। एक ने दूसरे से पूछा, इस साल कितने आदमियों ने हज किया है? दूसरे ने जवाब दिया, मुझे तो नहीं मालूम। तो उस पूछने वाले ने खुद ही कहा कि 6 लाख आदमी हैं हज करने वाले। उसने फिर सवाल किया, तुम्हें मालूम है कि इनमें से कितने आदमियों का हज कबूल हुआ? उसने जवाब दिया, मुझे तो मालूम नहीं। उसने खुद ही बताया कि इनमें से सिर्फ 6 आदमियों का हज कबूल हुआ। 6 लाख में से कितने आदमियों का हज कबूल हुआ? 6 आदमियों का हज कबूल हुआ। यह कहकर वो दोनों आसमान की तरफ चले गए। ये हजरत जिन्होंने ख्वाब देखा, ये कहते हैं घबराए, मेरी आंख खुली, उसके बाद मैं मतलब परेशान रहा, चुनांचे मैं अरफात से वापसी पर मजमे को देख रहा था, ये 6 लाख इनमें से सिर्फ 6 आदमी हैं जिनका हज कबूल हुआ, बाकी सब बेकार हैं। चुनांचे कहते हैं कि मैं फिर मुजदलफा में आया, मेरी आंख लग गई, मुझे वही दो फरिश्ते नजर आए। तो उसके बाद उस फरिश्ते ने कहा, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ने इसमें क्या हुक्म फरमाया है? दूसरे ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं। उसने कहा, यह फैसला हुआ है कि इन छह में से हर एक के तुफेल में 1-1 लाख का हज कबूल कर लिया जाए। देख रहे, सदके तुफेल, ये सदके तुफेल वाली कौम। अल्लाह हमें सदके तुफेल में ये दे दे, हसनैन का सदका भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर पे आया हूं बन के सवाली, कुछ नमाजों का सदका आता हो, दर से जाऊंगा लौट के न खाली। ये वही कौम है, ये सदके तुफेल बटोरने वाली, ये बदअकीदगी न जमीन में समाने वाली न आसमान में समाने वाली। और सुने हजरत, बहुत 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 बातें हैं, बहुत बातें हैं। आइए मैं धीरे, मैं जल्दी जल्दी सब आप हजरात को, सफा नंबर 51 खोलें आप, 51 में हजरत बता रहे हैं, सफा नंबर 51 में लिख रहे हैं कि बिलइत्तेफाक तमाम मुसलमानों के नजदीक, हाँ ये कह रहे हैं कि बिलइत्तेफाक तमाम मुसलमानों के नजदीक, ये मुसलमान तबलीगी जमात है, ये और दूसरे मुसलमान नहीं है, यही मुसलमान है, क्योंकि इन्हीं के यहाँ ये चीज है। लिखते हैं, तमाम मुसलमानों के नजदीक हुजूर अकदस की जियारत अहम तरीन नेकियों में से है और अफजल तरीन इबादत है। नबी के कब्र की जियारत अफजल तरीन इबादत है, आला दर्जात तक पहुंचने के लिए कामयाब जरिया और पुरउम्मीद वसीला है। फजाइल हज सफा नंबर 94। वसीले का लफ्ज़ तो खैर जो हुआ सो हुआ, तो मुशरिकों की आदत रही है, तो यह तो मालूम है। जियारत को इबादत और अफजल तरीन इबादत कहना, चुनांचे अब अफजल तरीन इबादत तो नमाज ही है भाई, है कि नहीं? अब तबलीगी जमात वाले जो ये नमाज कर रहे हैं, इनसे कहो भाई तू तो नमाज से शुरू कर रहा लेकिन तेरी इंतहा कब्र ही है, तू जा कब्रों की जियारत कर, ये तो सबसे अफजल तरीन इबादत है। सवाल यह है कि यह इबादत किसकी है? अगर यह इबादत है जियारत, तो किसकी इबादत? अल्लाह की है कि रसूल की इबादत? किसकी इबादत? तुम जियारत करने जा रहे हो कि इबादत करने जा रहे हो? सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी खबर पे आने वालों से लोगों को मना किया है, और आपने फरमाया कि देखना लोगों, मेरी खबर को मेला ठेला ना बनाना। अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसनन युबद, अल्लाह मेरी खबर को वसन न बनने देना कि उसकी परस्तिश हो। अल्लाह लोगों, मेरी खबर को ईदगाह ना बनाना। और चुनांचे ज़करिया साहब ने, ये तो नबी का फरमान है, लेकिन ज़करिया साहब ने कुछ झूठी हदीसों के, तकरीबन 6 झूठी हदीसों के हवाले जिक्र किए हैं, और जिसका मफहूम यह है कि जो हज करे और मेरे कब्र की जियारत ना करे वो क्या है? वो बहुत बड़ा जालिम है। या जो आए और मेरे कब्र की जियारत करे तो उसके ऊपर मेरी शफात वाजिब हो। मैं तबलीगी जमात से पूछना चाहता हूं कि मेरे अजीजो, जिस दिल से तुम जरबे मारते हो, हक हु करते हो, जरा उस जुबान के साथ जिससे तुम कलमा पढ़ाते हो, जरा हमें बताओ कि इन 6 हदीसें जो ज़करिया ने जिक्र की हैं, इन 6 हदीसों में कोई एक भी सही हदीस है? हरगिज नहीं। मुहद्दिसीन ने इन तमाम हदीसों को मौजू गढ़ी हुई रिवायत करार दिया है, जो इस किताब में इस मुहद्दिस ने, फखरुल अमासिल जुब्दतुल अफाजिल अलहाज मुहद्दिसे देवबंद ने, ये देवबंद के मुहद्दिस हैं जनाब, ये देवबंद के मुहद्दिस हैं, इसने इस किताब में लिखी है। चुनांचे अल्लामा इब्ने तैमिया फरमाते हैं कि ज़ियारत कब्र नबवी के ताल्लुक से जितनी भी हदीसें वारिद हुई हैं, सारी की सारी मौजू और सारी की सारी बइत्तफाक अहले इल्म ज़ईफ और मौजू रिवायतें हैं। और मौलाना ज़करिया से किसी ने एतराज किया तो मौलाना ज़करिया क्या लिख रहे हैं, मानो बिल्कुल बरेलवियाना जवाब दे रहे हैं। ज़करिया साहब लिख रहे हैं कि अगर इसको तुम मना करोगे तो फिर तो जहाद, तलब इलम, हिजरत और तजारत वगैरह के लिए भी सफर करना दुरुस्त नहीं है। इनसे कोई पूछे, फ़ज़ाइल हज सफा नंबर 101 में लिखते हैं, इनसे कोई पूछे कि इन तीनों मकामात की जो जियारत करने के लिए अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, ला तुशद्दु रिहालो इल्ला सलासते मसाजिदा, ऐ लोगों, 3 जगहों के अलावा किसी और जगह की जियारत के लिए ना जाओ, कजावे ना कसे जाएं इस नियत से कि वो मुकद्दस है, एक तो खाने काबा, एक तो बैतुल मुकद्दस और एक तो मेरी मस्जिद है, इन तीनों में ये सवाब है अल्लाह के नबी ने बतलाया, इसके अलावा और कोई जगह ऐसी ना जाओ मुकद्दस समझ करके कि चलो वहां ज्यादा सवाब मिलेगा।
हैं, तो आप ज़करिया साहब से कोई मुहद्दिस से पूछे कि कोई सफर करना जो करता है तिजारत के लिए, क्या वो मुकद्दस समझ के सफर करता है? वो तिजारत के लिए तिजारत क्या समझ करके करता है? ऐसे कोई पूछे, ज़करिया साहब कह रहे हैं कि कोई जरूरियात के लिए सफर करना तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है ना, लेकिन मुकद्दस समझ करके किसी मकाम की ज़ियारत के लिए जाना अल्लाह के नबी ने सिर्फ तीन जगह की इजाजत दी है, बकिया कहीं की इजाजत नहीं दी है। चुनांचे आइए और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं, मैं आपको बताऊं। चुनांचे ये देखें, काबे की तौहीन इससे बढ़कर के और क्या हो सकती है? लिखते हैं ज़करिया साहब कि बाद बुजुर्गों से नकल किया गया है कि बहुत से लोग खुरासान में रहने वाले, खुरासान कहां, वो जमहूरिया रूस वगैरह का, खुरासान में रहने वाले